केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। बेचैनी की खास वजह यह भी है कि इस विशेष सत्र में किस मुद्दे पर बात होगी, यह सार्वजनिक नहीं है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में इस पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने पूछा है कि आखिर विपक्ष से बिना कोई चर्चा व सहमति बनाए विशेष सत्र बुलाने का ऐलान क्यों किया गया है। वहीं जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि चर्चा यह भी है कि सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है। इंडिया बनाम भारत के नए सगुफे ने वैसे ही इन दिनों विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को सिर खुजाने का काम दे दिया है। माना जा रहा है कि मोदी ने उलझाए रखने के लिए एक और काम विपक्ष को दे दिया है। साल में संसद में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र होता है। यह सत्र सबसे अधिक समय यानी जनवरी के आखिर में शुरू होकर अप्रैल के आखिर तक चलता है। दूसरा सत्र मानसून सत्र है। यह जुलाई में शुरू होकर अगस्त माह में खत्म हो जाता है। संसदीय वर्ष का समापन शीतकालीन सत्र से होता है। यह सत्र नवंबर में शुरू होकर दिसंबर में खत्म हो जाता है। संविधान के मुताबिक संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के इन 3 सत्र के अलावा बुलाए जाने वाले सत्र को विशेष सत्र कहते हैं। संविधान कहता है कि संसद सत्र को बुलाने की सूचना 15 दिन पहले देनी होती है। हालांकि संसद सत्र से पहले एजेंडा बताना अनिवार्य नहीं होता है। संसदीय परंपरा के तहत सरकार संसद की बैठक के एक दिन पहले बुलेटिन जारी कर एजेंडे की जानकारी देती है। सरकार के पास अधिकार होता है कि वह पहले से तय एजेंडे को भी बदल सकती है। 2019 में मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और राज्यों का पुनर्गठन करने से जुड़ा विधेयक पेश करने के दौरान भी एजेंडा बदला गया था। इन विधेयकों की जानकारी सदन में मौके पर दी गई थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या है संसद सत्र बुलाने का नियम। दरअसल संसद का सत्र बुलाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। सत्र बुलाने का फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है। समिति के प्रस्ताव को राष्ट्रपति औपचारिक मंजूरी देते हैं। मंजूरी के बाद संसद का सत्र बुलाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जब भी उचित समझें संसद के किसी भी सदन को बैठक के लिए बुला सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में कोई तय संसदीय कैलेंडर नहीं होता है। अमूमन संसद की बैठक एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए होती है। संविधान में कहीं भी विशेष सत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताइएगा। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th स्मार्ट क्लासरूम्स वाईफाई कंप्यूटर लैब एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स योगा एंड म्यूजिक वर्धमान अकेडमी रेलवे रोड मेरठ